आज अपने बेरोजगार बेटा बेटियों के लिए एक नई योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। नाम हमने सरल रखा है ताकि गरीब से गरीब, मतलब बिना ज्यादा परेशानी के योजना एकदम क्लिक हो सके। सीखो और कमाओ, लर्न एंड अर्न अगर अंग्रेजी में कहें तो। इस योजना के अंतर्गत 12वीं पास, जिन्हें आईटीआई किया है वो बच्चे, जिन्हें ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो सारे के सारे इस योजना के लिए पात्र होंगे। हमने अलग अलग तरह के कई काम, लगभग 700 हैं वो, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म और ट्रेवल, अस्पताल, रेलवे, आईटीआई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का क्षेत्र, बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य वित्तीय सेवाएं संबंधी काम बच्चों को सिखाए जाएंगे। काम सिखाने के लिए ये अलग अलग, जो चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, बड़े उद्योग हों, एमएसएमई उद्योग हों या सर्विस सेक्टर हो, उसके 700 काम अलग अलग सिखाए जाएंगे। और काम किसी प्राइवेट फैक्ट्री हो, इंस्टीट्यूशंस हो, कोई कॉलेज हो, कोई अस्पताल हो, अलग अलग जगह सीखेंगे। लेकिन काम सीखने के बदले हम बच्चों को पैसा देंगे और डीबीटी के माध्यम से ये पैसा उनके खातों में जाएगा। बच्चे काम सीखेंगे तो जो बच्चे 12वीं पास हैं उन्हें 8,000 रुपया महीना, जो बच्चे आईटीआई उत्तीर्ण हैं उनको 8,500 रुपया महीना, जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनको 9,000 रुपया, और इससे अधिक ऊंची डिग्रीधारी वाले बच्चों को 10,000 रुपया प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा। अब बच्चे काम भी सीखेंगे और उनको स्टाइपेंड भी मिलेगा इस अवधि के दौरान, और बाद में काम सीख कर हमारे ये बच्चे अपना परमानेंट रोजगार या तो वहीं पा जाएंगे या अपना उद्यम खड़ा करेंगे। इन काम सीखने वाले बच्चों को बाद में स्वरोजगार के क्षेत्र में भी प्राथमिकता दी जाएगी। ये योजना हमारी एक क्रांतिकारी योजना है। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है ताकि वह प्रगति और विकास की लंबी उड़ान उड़ सके, और इसलिए बेरोजगारी भत्ता बेमानी है। उनको काम सिखाएं, उसके बदले में पैसा दें ताकि परमानेंट जॉब की व्यवस्था उनके लिए हो जाए। 7 जून से अभी हमारा पोर्टल बन रहा है, 7 जून से जिन प्रतिष्ठानों को ऐसे बच्चों को काम सिखाना है उनका पंजीयन प्रारंभ हो जाएगा। 15 जून से हम युवाओं का पंजीयन, रजिस्ट्रेशन का काम प्रारंभ कर देंगे। 15 जुलाई से प्लेसमेंट उनका मार्केट में प्रारंभ हो जाएगा, और 31 जुलाई से युवा प्रतिष्ठान जहां वो काम करेंगे और मध्य प्रदेश शासन, उसके बीच अनुबंध हो जाएगा, ऑनलाइन होगा ये, और 1 अगस्त से बच्चे काम करना प्रारंभ कर देंगे, और उसके बदले में उनको ये राशि 1 महीना जैसे काम करेंगे मिलना प्रारंभ हो जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी योजना है जो बच्चों को बैसाखी पे चलना नहीं सिखाएगी, अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद देगी और इस अवधि तक उनको
आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री युवा सीखो और कमाओ योजना, मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, जिनने 12वीं पास कर ली, जिनने बीए बीएससी कर ली या जिनने एमए एमएससी कर ली, उनको रोजगार की तलाश है। सरकारी नौकरियों में भर्ती अभी चल रही है, 1 लाख से ज्यादा भर्ती अभी इसी साल करेंगे, लेकिन सबको नौकरी नहीं मिलती। तो एक योजना बनाई है कि आप काम सीखो, कहां सीखो, अलग अलग जगह 700 काम चिन्हित किए हमने, किसी फैक्ट्री में, सर्विस सेक्टर के किसी क्षेत्र में, अलग अलग काम जो बच्चे सीखना चाहेंगे उनको काम सिखाने के लिए आवेदन लिया जाएगा और उनको फिर अलग अलग स्थानों पर काम सीखने के लिए भेजा जाएगा और काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे, 8,000 रुपया हर महीना देंगे और काम सीखने के बाद उनको परमानेंट रोजगार मिल जाए, इसकी चिंता की जाएगी। जो 12वीं पास है उनको 8,000, जो बीए पास है उनको 9,000, जो एमए पास है उनको 10,000, ताकि उनका तात्कालिक रूप से काम चल जाए। हमारी कोशिश ये होगी कि 1 साल काम सीखने के बाद उसको वहीं या और कहीं परमानेंट जॉब मिल जाए, ताकि उसको भटकना ना पड़े।